हिंदी सिनेमा जगत में 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक गिनी जाती हैं रति अग्निहोत्री, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं और बड़े पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है। रति अग्निहोत्री ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल फिल्मों में भी अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज रति अग्निहोत्री के लिए बेहद खास दिन है। आज के दिन रति अग्निहोत्री हो चुकी हैं पूरे 60 साल की। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि 10 दिसंबर के दिन रति अग्निहोत्री अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं और जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं रति की पर्सनल लाइफ के बारे में। जहां एक ओर रति अग्निहोत्री ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी कामयाबी हासिल की, तो वहीं रति अग्निहोत्री अपनी पर्सनल लाइफ में काफी दुख भी झेल चुकी हैं। इस बात का खुलासा खुद रति ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। दरअसल महज 10 साल की उम्र में रति ने मॉडलिंग की शुरुआत कर दी थी और रति के एक्ट्रेस बनने का श्रेय जाता है तमिल के डायरेक्टर भारती राजा को, जिन्होंने 16 साल की उम्र में रति को फिल्म पुदिया वरपुकल में मौका दिया था। लेकिन इसके बाद रति अग्निहोत्री ने कई फिल्मों में काम किया और अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग के जरिए दर्शकों के दिलों पर जमकर राज किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब रति अग्निहोत्री शादी के बंधन में बंध गई। जी हाँ, साल 1985 में रति ने बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट अनिल वीरवानी से शादी की और शादी के बाद रति अग्निहोत्री ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन शादी के कुछ साल बाद रति अग्निहोत्री ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया तनुज। इसके बाद वह पूरी तरीके से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई और फिल्मी दुनिया से रति अग्निहोत्री कई सालों तक दूरी बनाए रखी। लेकिन शादी के 30 साल तक रति अग्निहोत्री लाइमलाइट से दूर रही और एक दिन अचानक रति अग्निहोत्री पुलिस स्टेशन में बैठी हुई नजर आई और उस दौरान रति को पुलिस स्टेशन में देखकर हर कोई चौंक गया था। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति अनिल वीरवानी पर प्रताड़ित करने, पीटने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। रति ने अपने पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी और साल 2015 में रति ने अपने पति को तलाक दे दिया था और आज के समय में रति अग्निहोत्री अपने बेटे तनुज के साथ रहती हैं। इतना ही नहीं, साल 2015 में रति ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि वह लंबे समय तक पति के जुल्म को सहती रही, लेकिन अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे तनुज के खातिर चुप रही क्योंकि वो उसे झगड़े से दूर रखना चाहती थी। और रति अग्निहोत्री बाद में अपने पति से अलग हो गई और आज के समय अपने बेटे तनुज के साथ आलीशान जिंदगी बिता रही हैं। वहीं रति अग्निहोत्री ने एक बार फिर से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और दर्शकों के दिलों पर राज करती हुई नजर आई। रति ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल, तेलुगू, मलयालम, भोजपुरी, कन्नड़, बंगाली, इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया है और हर तरफ अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाती हुई नजर आई हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, लेकिन जाने से पहले रति अग्निहोत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।